हेलो दोस्तों, कल एक स्टूडेंट ने पूछा था कि क्वाजी फेडरेशन का मतलब क्या होता है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं आज आप ये क्लास ले रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए क्वाजी फेडरेशन। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, बोलेंगे डिस्कस, आप इसको व्याख्या करें। तो उस स्थिति में आपको क्या क्या करना है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो अगले 30-35 मिनट में इसी पर केंद्रित रहेगा। और ये जो टॉपिक है वो नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, भारतीय संविधान की प्रकृति, ठीक है। अब अगर आप भारतीय संविधान का जो आर्टिकल वन पढ़ेंगे, आर्टिकल वन, ये क्या है, इसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत शैल, इसमें दो वर्ड आया है, एक इंडिया मतलब अंग्रेजी का वर्ड और दूसरा हिंदी में भारत, माने हमारे देश को हिंदी में भारत कहते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं, हिंदुस्तान या आर्यावर्त वगैरह सब है नाम, लेकिन संविधान में दो वर्ड को रखा गया है अपने देश के लिए, पहला हिंदी में भारत और दूसरा अंग्रेजी में इंडिया। नाउ इस शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, व्हाट डज दिस इंडिकेट, यूनियन मतलब क्या होता है, यहाँ पर फेडरेशन क्यों नहीं लिखा है, क्वेश्चन है। जैसे अमेरिका में फेडरेशन लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ पर यूनियन क्यों नहीं लिखा हुआ है, इसका इंडिकेशन क्या है, इसका मतलब क्या होता है, दो मतलब होता है। पहला, इसका दो माने होता है, पहला कि यूनिट्स हैव नो राइट टू सीसीड, मतलब जो स्टेट हैं जैसे बिहार है, यूपी है, पंजाब है, इनको यूनियन से माने केंद्र से हटने का कोई अधिकार नहीं है, वो पृथक, सीसीड का हिंदी होगा पृथक, पृथक होने का अधिकार नहीं है, दैट ओके। और दूसरा, यूनियन ऑफ इंडिया वॉज नॉट मेड ऑफ एग्रीमेंट अमोंग स्टेट्स, तो हमारे यहाँ जो यूनियन बना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो यूनियन बनाया वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे कि अमेरिका में, अमेरिका में क्या हुआ दोस्तों, 1776 में जब जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में उन्होंने अंग्रेजी फोर्स को हराया, तो उसके बाद उन्होंने सत्ता स्थापित किया और उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्मित हुआ वो 1787-88 में और लागू हो गया 1789 में, ठीक है। उस समय में 13 कॉलोनी थी, ओनली 13, अभी जो आप अमेरिका का नक्शा देख रहे हैं उतना बड़ा अमेरिका नहीं था, वो धीरे धीरे उनका विस्तार हुआ या कुछ इलाके उन्होंने खरीदे, ठीक है, लेकिन उस समय जो था वो ओनली देयर वर 13 कॉलोनीज, और ये 13 कॉलोनीज मिल करके उन्होंने एक केंद्रीय सत्ता स्थापित किया। हमारे देश में आप देखेंगे, चूंकि हमारा देश गुलाम रहा 200 वर्षों तक अंग्रेजों के समय में, तो हमारे देश में यूनियन ऑफ इंडिया जो है, जो बना है, वो किसी एग्रीमेंट का परिणाम नहीं है, किसी समझौते का परिणाम नहीं, इसका मतलब दो बातें होती हैं, ठीक है। अब संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या होती है, व्हाट आर द स्पेशल फीचर ऑफ ए फेडरेशन, ठीक है, तो पहला होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। हमारे देश में जो संविधान बनाया है वो लिखित है, और इसमें आप जानते हैं कितने धाराएं हैं, बताइए आप किसी में किसी को मालूम है कितनी धाराएं हैं, अभी वर्तमान में कितनी धारा है, जब संविधान बना था तो उसमें 395 धारा थी, अभी कितनी धारा है, 465, वैसे मैंने 448 पढ़ा था लेकिन मान लेता हूँ 465, अभी बहुत सारे संशोधन भी हुए हैं, आप लोग जरा चेक कर लीजिएगा, आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट इट, हमने 448 तक पढ़ा था, ठीक है, अब इसमें 465 आप कन्फर्म है, और 12 अनुसूची है, 12 शेड्यूल हैं, ठीक है शेड्यूल्स ये इतने हैं, आर्टिकल हैं 465, ठीक है। पहले जो मूल संविधान था उसमें 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल था, अब वो शेड्यूल बढ़कर के 12 हो गया है, ठीक है।
तो हमारा संविधान जो है वो लिखित है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत सारी बातों को हमारे संविधान में लिख दिया गया है जो कि दूसरे संविधान में नहीं लिखा गया है, ठीक है। अगर आप अमेरिका के संविधान देखेंगे तो वहां पर मात्र 7 आर्टिकल हैं, ओनली 7, हालांकि वो आर्टिकल बहुत लंबे लंबे हैं, लेकिन देर आर ओनली 7 आर्टिकल्स। हमारे देश में क्या है, 465, ठीक है, अगर वो कन्फर्म है तो कन्फर्म कर लीजिएगा, और 12 शेड्यूल हैं। अब इसके बारे में तो आप लोगों को मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो आप पढ़ लीजिएगा किताब में, ठीक है, तो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अब जब संविधान जब हम बोलेंगे और इस पर जब हम चर्चा करेंगे तो हमेशा शेड्यूल की बात करेंगे। यू मस्ट नो कि व्हाट यू हिंदी में बोलते हैं उसको अनुसूची, तो अनुसूची क्या है, संविधान के क्या क्या आर्टिकल हैं, उसके क्या क्या और कितने कब कब अमेंडमेंट हुए हैं, मतलब संशोधन हुए हैं, ये पढ़ के आइएगा अगले क्लास में। तो पहला दोस्तों क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान है, इसमें कोई मौखिक बात नहीं है। तो फेडरेशन मतलब संघीय व्यवस्था की विशेषता पहला है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा क्या है, आवाज बंद करो, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 7, अभी जो 12 सूची मैंने बताया आपको, तो 7 सूची जो है उसमें क्या लिखा हुआ, डिवीजन ऑफ पावर है। डिवीजन ऑफ पावर मतलब स्टेट के क्या क्या कौन कौन से आइटम पर स्टेट कानून बना सकता है, उसका क्षेत्राधिकार कौन कौन से आइटम पर है, और यूनियन का किस किस आइटम पर कानून बना सकते हैं। जैसे यूनियन के पास में डिफेंस है, प्रतिरक्षा, यूनियन के पास में करेंसी है, क्योंकि सिक्का या रुपया जारी करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, स्टेट सरकार, स्टेट गवर्नमेंट नहीं जारी कर सकता है। सेना रखने का पावर केवल केंद्र सरकार के पास में, ठीक है। तो इस तरह के कुल आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो 104 यूनियन लिस्ट हो गया है, और राज्य का जो स्टेट लिस्ट है पहले 66 था, अब 61 हो गया, 61, और समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट पहले 47 था, अब 41 हो गया, 41। इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोग अनुसूची पढ़ के आइए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो यूनियन लिस्ट है उस पर कानून बनाने का सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को पावर है, पार्लियामेंट को है, जो स्टेट लिस्ट है उस पर विभिन्न राज्य के असेंबलीज को है, और जो समवर्ती सूची है मतलब कंकरेंट लिस्ट, उस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का पावर है। लेकिन अगर एक ही सब्जेक्ट पर अगर केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, तो इन दैट सिचुएशन जो केंद्र के द्वारा मतलब पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा, दैट विल सुपरसीड ओवर द लॉज मेड बाय द स्टेट असेंबलीज, ठीक है। तो यहां पर क्या हम देखते हैं कि हालांकि डिवीजन ऑफ पावर किया गया है, लेकिन फिर भी केंद्र की सत्ता ज्यादा मजबूत कर दी गई है, ठीक है, वो तो हम बाद में आएंगे। तो हम क्या देखते हैं, डिवीजन ऑफ पावर माने कार्यों का विभाजन, ठीक है। तीसरा क्या है और क्या इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, बाइकैमरल मतलब द्विसदनीय व्यवस्था, बाइकैमरल लेजिस्लेचर माने द्विसदनीय व्यवस्था मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों हैं, और इसमें जो है जो लोकसभा में जो एमपीज का चुनाव होता है वो तो सीधे जो है कॉन्स्टिट्यूशन आधार पर होता है, लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में राज्यसभा जो है वो विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधि करता है, और हर राज्य का अपना प्रतिनिधि माने रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में है। तो और इसका चुनाव कैसे होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए नियम बनाए गए हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, उसी तरह से हर राज्य को एक अलॉटेड सीट दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। अब जैसे कि यूपी को चूंकि बहुत बड़ा राज्य है, पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, तो उसको सबसे ज्यादा राज्यसभा में सीट मिला हुआ है, 31 सीट मिला हुआ है, ठीक है। उसी तरह से अभी एमपी में आप देखेंगे कि 11 सीट मिला हुआ है, और इसका चुनाव जो होता है वो कौन करता है, वहां के स्टेट असेंबलीज के मेंबर्स माने एमएलएस। और चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो प्रेसिडेंट के चुनाव में जो अख्तियार करते हैं
एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा सामानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, ठीक है, इसको थोड़ा हिंदी क्लिष्ट है, तो उस आधार पर इसका चुनाव होता है। अब चौथा फैक्टर क्या है, व्हाट इज द, एक मजबूत जुडिशियरी है, न्यायिक प्रणाली अपने अपने देश में हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसके बारे में हमारा वीडियो है AJIS एकेडमी इंदौर पर, आप टाइप करें यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, पावर्स ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड देयर जुरिडिक्शन, क्षेत्राधिकार, उसका डिटेल में हमने व्याख्या किया है, ठीक है। और इसके बाद, और ये जो स्ट्रांग जुडिशियरी है वो क्या काम करता है कि इन केस ऑफ इंक्रेचमेंट बाय एनी आइदर यूनिट और द यूनियन गवर्नमेंट, इसको जो है पावर है, क्या है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन का, सुप्रीम कोर्ट को क्या पावर है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन का पावर है, जैसे मैंने कल बताया था आपको, मूल क्षेत्राधिकार है ये किसके पास में, सुप्रीम कोर्ट के पास में, ये अधिकार हाई कोर्ट के पास में नहीं है भाई, मतलब इसका मतलब ये होता है कि इन केस ऑफ एनी कंफ्लिक्ट बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट और बिटवीन टू स्टेट्स द ओरिजिनल जुरिडिक्शन लाइज विथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और कोई भी फंडामेंटल राइट्स जो आपको दिया गया है उस फंडामेंटल राइट्स का, मैंने जो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 ये भाग 3 में है फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें अगर किसी प्रकार का दखलंदाजी किसी गवर्नमेंट के द्वारा, किसी लोकल बॉडीज के द्वारा, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अगर किसी तरह का हस्तक्षेप किए जाते हैं, तो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है आर्टिकल 32 में कि वो रिट जारी कर सकता है, और यही पावर हाई कोर्ट को है आर्टिकल 226-227 में, ठीक है। तो दोस्तों, हमारे देश में एक इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र जुडिशियरी की स्थापना किया गया है, और जुडिशियरी में आप देखेंगे कि एक सुपीरियर जुडिशियरी होता है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है, और उसके बाद में लोअर जुडिशियरी होता है जो कि हर एक जिले में आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके नीचे में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, उसके बाद में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके बाद में एडिशनल चीफ जुडिशियल में जिसको ACJM कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक स्वतंत्र जुडिशियरी और एक इंटीग्रेटेड जुडिशियरी का निर्माण किया गया है। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी मतलब एकीकृत, एकीकृत से मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एकीकृत, मान लीजिए लोअर कोर्ट ने मतलब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने किसी व्यक्ति को फांसी दे दिया, ठीक है, तो उसके बाद में क्या होगा, संविधान में लिखा हुआ है कि वो हाई कोर्ट में जाएगा, अपील कर सकता है, या उस व्यक्ति को मान लो छोड़ दिया गया, एक्यूटल कर दिया गया, तो उस स्थिति में क्या होगा, गवर्नमेंट जाएगी हाई कोर्ट अपील करने के लिए। मान लो हाई कोर्ट से फांसी का अप्रूवल हो जाता है, मतलब हाई कोर्ट अप्रूव कर देता है फांसी, फिर भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस फांसी पर अप्रूवल किया जाएगा, ठीक है। तो मतलब कहने का आशय क्या है कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बोथ आर अपीलेट कोर्ट, ठीक है, और जो लोअर कोर्ट में जो भी निर्णय किए जाते हैं उसको ऊपर के कोर्टों में अपील की जा सकती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। ये नहीं है कि लोअर कोर्ट ने कुछ कह दिया या कोई जजमेंट पास कर दिया तो फिर फाइनल बात हो गई, नो, फाइनल सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट अपीलेट ऑथोरिटी, ठीक है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को तो वो भी है पावर, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार, कि कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट के द्वारा पास हुआ है उस लॉ को रिव्यू करने का अधिकार किसके पास में है, सुप्रीम कोर्ट के पास में। लेकिन जब वो जुडिशियल रिव्यू का पावर अख्तियार करेगा तो सिंगल बेंच नहीं करेगा, उसमें 2-3 जजेज रहेंगे, मोर देन 1 जज, और हमेशा संवैधानिक पीठ जो होता है उसमें कभी 9, कभी 7, कभी 13, जैसे आप देखेंगे केशवानंद भारती का जो केस है 1973 का, उसमें 13 जजों के बेंच ने उसमें फैसला दिया था, ठीक है। इसी तरह से जजों का बेंच का गठन होता है, जो कौन गठन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अब दोस्तों, ड्यूअल गवर्नमेंट को हिंदी क्या बोलेंगे,
मैंने दो प्रकार की शासन व्यवस्था। अब हमारे देश में क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। लेकिन आपको ब्रिटेन में ये नहीं मिलेगा। ब्रिटेन में क्या है, एक केंद्र सरकार है, उसके नीचे सब जिला है जिसको काउंटी बोला जाता है। देयर इज नो स्टेट गवर्नमेंट एट ऑल, ठीक है। हमारे देश में क्या है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एक तीसरा सरकार भी पैदा हो गया है। और कौन है, जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो मैंने उस दिन बताया था आपको कि जिला पंचायत और नगर निगम कॉरपोरेशन, इनके लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उनके लिए व्यवस्था की गई है, उसका आप लोग पढ़िएगा और हमारा यूट्यूब पर डला हुआ है। नहीं, अगर आप किताब पढ़ सकते हैं कम से कम उसको तो पढ़ो। 73वें संविधान संशोधन जो है 13th और 17th और इसका शेड्यूल जो है वो है 11वां अनुसूची, जो मैं अभी बता रहा था कि आपको पढ़ना पड़ेगा शेड्यूल, और ये है 12वां अनुसूची। इसमें राज्य सरकार के जो लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट जो हैं, उसमें से 29 लिस्ट को इसमें डाल दिया गया है जिला पंचायत में, 29 आइटम्स, ठीक है। और ये कॉरपोरेशन के लिए कितने डाला गया, 18 आइटम्स, माने इसका लिस्ट थोड़ा कम है कॉरपोरेशन के लिए। लेकिन जो जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत और जो ग्राम पंचायत, जो एक श्रृंखलाबद्ध है, तीनों थ्री टायर सिस्टम है ना अपने यहाँ पंचायत सिस्टम का, आप उसको पढ़िए क्योंकि किसी दिन मैं पूछूंगा आप लोगों से, तो इसमें 18 आइटम है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमारे देश में त्रिस्तरीय प्रणाली हो गया है, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर और एक जिला स्तर पर, ठीक है। जो आपको ब्रिटेन में या एकात्मक जो प्रणाली है, जो जहां पर यूनिटरी फीचर है, वहां पर वो नहीं मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको बताया कि जो फेडरल जो फीचर होता है, जो संघात्मक व्यवस्था होता है, उसमें ये सारे तत्व का समावेश होता है। एक लिखित संविधान होना चाहिए, दूसरा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैं भूल गया, सुप्रीमेसी। अब दोस्तों सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, व्हाट डज दिस इंडिकेट, इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो संविधान है वही सार्वभौम है, इट इज ए सॉवरेन बॉडी। अब जैसे कि अमेरिका में, लेकिन ब्रिटेन में पार्लियामेंट सॉवरेन बॉडी है। क्यों, इसीलिए कि पार्लियामेंट जो ब्रिटेन का है वो केवल पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बनाने के अलावा बाकी सब सारा काम कर सकती, उसके पास में असीमित पावर है। लेकिन हमारे पार्लियामेंट के पास में असीमित पावर नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि जुडिशियल रिव्यू के तहत में सुप्रीम कोर्ट भी उसके द्वारा बनाए गए कानून को चैलेंज कर सकता है और उसको नल एंड वॉइड कर सकता है, और ऐसा बहुत सारे मामले में किया है। उसी तरह से तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या जितने भी पदाधिकारी हैं, दे विल वर्क एंड अबाइड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इवन द पार्लियामेंट विल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हालांकि पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को फॉलो करने का हर अंग को का यह दायित्व है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल इन ऑल, सुप्रीम है, सॉवरेन बॉडी है। और संघात्मक फीचर जो होता है, फेडरल फीचर, इसमें क्या होता है दोस्तों, हमेशा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब हम चलते हैं कि हिंदुस्तान में यूनिटरी फीचर क्या क्या है, व्हाट आर द, इसको बोलेंगे एकात्मकता, एकात्मकता, ये एकात्मकता जो है यूनिटरी फीचर, ये क्या क्या है, विशेषता क्या क्या है। जो केसी हुयर ने, इसने ये जो क्वाजी फेडरेशन है वो किसने लिखा है, केसी हुयर ने, एक बहुत बड़े विद्वान हैं, उनके द्वारा ये दिया गया कि भारतीय संविधान जो है वो अर्ध संघात्मक है, केसी हुयर। अब दोस्तों यूनिटरी फीचर्स में क्या क्या है, तो पहला
सिंगल सिटीजनशिप। अगर आप लिखते जाएंगे तो फिर नोट्स की तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, देयर इज नो नीड ऑफ नोट्स। अब मेहनत नहीं करोगे तो नोट्स भी, अगर वीडियो भी मेरा मार्केट में घूम रहा है तो उससे भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। मेन बात यह है कि दिस इज नॉट द क्लास फॉर बी और एमए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं, दिस इज अ हायर क्लास मोर देन एमए एंड बीए, एंड दिस इज फॉर द कंसेप्ट ऑफ क्लियरेंस क्लास। यहां नॉर्मल चीज हम नहीं पढ़ाएंगे, जैसे मैं आपको कल पढ़ाऊंगा सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, ठीक है, लेकिन उसमें हम पढ़ाएंगे आपको क्या, जो फिनेंशियल रिलेशन है बिटवीन द स्टेट एंड यूनियन, जो थोड़ा जटिल है, जो आप नॉर्मल सिचुएशन में आप नहीं समझ सकते, तो मैं उसको लूंगा। मैं ये नॉर्मल नहीं लूंगा कि एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल क्या है और लेजिस्लेटिव का कंट्रोल क्या है, एवरीबॉडी नोज इट। अगर थोड़ा सा आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन चूंकि फिनेंशियल मामला जो है वो वेरी कॉम्प्लिकेटेड मामला है, तो दिस इज माई जॉब टू क्लियर द कंसेप्ट। ये इस लेवल की पढ़ाई है, ठीक है। तो सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है दोस्तों, अभी आप चाहे तमिलनाडु के हैं, चाहे बिहार के हैं, चाहे कहीं के भी हों हिंदुस्तान में किसी भी राज्य के, तो आप भारतीय नागरिक हैं। लेकिन अमेरिका में ये चीज़ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कैलिफोर्निया का रहने वाला स्टेट का, तो सबसे पहले वो कैलिफोर्निया का नागरिक है, एंड देयर आफ्टर ही इज ऑल्सो द सिटीजन ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो वहाँ पर दो प्रकार के सिटीजनशिप का व्याख्या है कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे यहाँ क्या है, ओनली वन सिटीजन, एवरीबॉडी इज इंडियन सिटीजन इरेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट वेयर ही इज लिविंग। वो बिहार का हो सकता है, बंगाल को हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, समझ गए आप। दूसरा, अभी आप देखेंगे कि अमेरिका में राज्यों के लिए अलग संविधान है और केंद्र के लिए एक संविधान है। हमारे देश में सारे राज्यों के लिए और केंद्र के लिए एक ही संविधान है, ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर होल इंडिया। और आपने देखा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए पहले अलग से एक संविधान था उनका, क्योंकि अभी आर्टिकल 370 हटने के बाद में वो खत्म कर दिया गया है, एंड नाउ जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया है, और उनके लिए भी अब कोई अलग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो हमारे देश में अब एक कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे कहीं का भी हो, ठीक है। ऑल द स्टेट हैज़ टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स, ठीक है। लेकिन अमेरिका में हर एक राज्य के लिए अपना अलग अलग संविधान है। तो ये क्या है, ये फीचर है, यूनिटी फीचर, एकात्मक फीचर क्या है, ये हम अभी बताने जा रहे हैं। तीसरा, सेंटर माने केंद्र सरकार या पार्लियामेंट राज्य के बाउंड्री को बदल सकता है, चेंज कर सकता है, राज्य को ही खत्म कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में उसको राज्य का दर्जा प्राप्त था, उसको यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया। उसी तरह से आप देखेंगे आज़ादी के बाद से मद्रास स्टेट को दो भाग में विभाजित कर दिया गया, एक आंध्र प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु। अब आंध्र प्रदेश का भी दो भाग हो गया, एक तेलंगाना और एक आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसी तरह से आपने देखा होगा पंजाब और हरियाणा का डिवीजन हुआ, ठीक है। उसी तरह से आप देखते हैं कि बिहार का बंटवारा हुआ, झारखंड और बिहार। तो इस तरह से हिंदुस्तान में इसके दो प्रक्रिया हैं, या तो वहाँ के स्टेट असेंबली ये लिख के दे प्रस्ताव पारित करके कि हम डिवीजन चाहते हैं, या पार्लियामेंट स्वतः कर सकता है, उसको रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक जो तो ये क्या फीचर दर्शाता है, ये एकात्मक फीचर दर्शाता है, ये पार्लियामेंट का ओवरराइडिंग पावर को दर्शाता है। ये अमेरिका में आप ऐसा नहीं कर सकते, उनके जो 50 स्टेट हैं उनकी बाउंड्री को आप वहाँ की कांग्रेस बदल नहीं सकती है, जब तक कि वहाँ के जो स्टेट के जो असेंबलीज हैं वो जब तक ना चाहे, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ पर पार्लियामेंट बाउंड्री को बदल सकता है, भले राज्य की इच्छा हो ना हो। पार्लियामेंट किसी इंटरनेशनल ट्रीटी या ऑब्लिगेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको कानूनी जमा पहनाने के लिए, वहाँ के इलाके को किसी विदेशी
या दूसरे देश को भी दे सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे विलेजेस जो हमारे देश के पार्ट थे, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के, तो भारत सरकार ने बांग्लादेश में जो समझौता हुआ तो बहुत सारे जो गांव हैं विलेजेस वो उन्होंने बांग्लादेश को दे दिया, और कुछ गांव बांग्लादेश के हमारे देश में मिला दिए गए, ठीक है। और इसका अप्रूवल पार्लियामेंट ने कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर राज्य सरकार नहीं भी चाहती, मान लो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में अदर देन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर वो नहीं भी चाहे तो अपनी ओर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? बिकॉज पार्लियामेंट हैज गॉट द ओवरराइडिंग पावर इन एज फार एज द चेंजेस ऑफ बाउंड्रीज आर कंसर्न, ठीक है। ये चीज यूनिटरी फीचर को दर्शाता है। अब हमने इमरजेंसी प्रोविजन बताया आपको, कल मैंने विस्तृत व्याख्या किया है, किसी भी फेडरेशन में इमरजेंसी का प्रावधान नहीं होता, और मैंने क्या बताया आपको, इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ हमारे देश में जो आपातकाल की व्यवस्था धारा 352 से लेकर 360 में है, उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था कि इन अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस, विपरीत परिस्थिति में जो हमारा देश का जो फेडरेशन संघात्मक व्यवस्था है वो एक एकीकृत व्यवस्था के रूप में तब्दील हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि पार्लियामेंट और केंद्र सरकार राज्यों के अधिकार को भी अतिक्रमण कर सकता है। और आपको मैंने बताया कि जैसे फिनेंशियल इमरजेंसी का मामला हो, या प्रेसिडेंट रूल हो, या एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल आर्म रिवेलियन, मैंने सशस्त्र विद्रोह के आधार पर धारा 352 के तहत में आपातकाल लागू की गई हो, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में राज्य सरकार की सत्ता केंद्र सरकार में निहित हो जाएगी, और जो डायरेक्शन राज्य सरकार केंद्र सरकार देगा उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। और ये नहीं कह सकता कि साहब ये तो स्टेट लिस्ट है, इसमें तो हमारा एक्सक्लूसिव राइट है, आप कैसे दखलंदाजी कर सकते हैं। नो, वहां पर इमरजेंसी के दौरान उस पार्लियामेंट को ओवरराइडिंग पावर हो जाता है। और इसका मतलब क्या हुआ कि एक भारतीय संविधान विशेष परिस्थिति में संघात्मक से एकात्मक व्यवस्था में तब्दील हो जाती है। तो इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो यूनिटरी फीचर की विशेषता है। नहीं, वो तो राज्य सरकार को, ये बात सही है आपका, आर्टिकल 365 मैंने बताया था आपको कि इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार को ये पावर है कि वो राज्य सरकार को समय समय पर दिशा निर्देश दे। अगर राज्य सरकार उस दिशा निर्देश को पालन नहीं करता है तो आर्टिकल 356 के तहत में उस पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा 3-4 पॉइंट है। पहला, प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या क्या आते हैं? आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। अब ये प्रोविजन ऑल इंडिया सर्विस आपको विश्व में कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी भी फेडरल स्ट्रक्चर में नहीं मिलेगा। मतलब एक आईएएस ऑफिसर जो है वो भले ही केंद्र सरकार का कर्मचारी है लेकिन वो राज्यों में काम करता है, वो राज्य में भी काम कर सकता है, केंद्र में भी काम कर सकता है, और राज्य में भी ऊंचे ऊंचे ओहदे पर वही पोजीशन लिए हुए है, ठीक है। तो प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज ये क्या करता है, ये केंद्र सरकार को एक अलग से ताकत प्रदान करता है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री को विभिन्न कलेक्टरों के साथ मीटिंग करते हुए, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये क्या शो कर रहा है, ओवरराइडिंग पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? कि जितने भी कलेक्टर हैं सब इंप्लाई किसके हैं? केंद्र सरकार के। लेकिन काम कहाँ कर रहे हैं? राज्य सरकार में। तो लॉयल्टी उनकी कहाँ पर है? केंद्र सरकार के पास, ठीक है। ताकि राज्य सरकार में कोई इस तरह के जो विघ्न संतोषी हैं वो केंद्र से तोड़फोड़ करके अपना अलग राज्य ना बना लें। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने क्या कहा, उन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज जो आर्टिकल 309 से लेकर 312 तक प्रावधान है, इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अब दोस्तों, राज्यपाल का नियुक्ति जो करता है वो प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट मतलब प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब ये अगर राज्यपाल का आप देखेंगे तो क्या हिसाब किताब है कि गवर्नर विल रिमेन
एट हिज पोस्ट ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। वर्ड क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग द प्लेजर, माने प्रेसिडेंट की कृपा पर जितना दिन, हालांकि 5 साल के लिए नियुक्ति होती है, लेकिन अगर वो चाहे तो कभी भी किसी वक्त हटा सकता है। ये क्या शो करता है कि राज्यपाल के नाक में नकेल जो है ना किसने पहनाया हुआ है? केंद्र। तो राज्यपाल का यहाँ दो काम होता है, पहला कि ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट नंबर वन, एंड ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। दो उसके फंक्शन होते हैं, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि राज्यपाल का पद बहुत ज़्यादा विवादित रहा है, क्योंकि उसके उसको एक हाथ जो है वो सेंट्रल खींचती है और दूसरा वहाँ की राज्य सरकार खींचती है, और इसी में वो विवादित व्यक्ति बन जाता है। जैसे आपने महाराष्ट्र में अभी देखा, हिमाचल प्रदेश में देखा, बहुत सारे राज्य सरकारों को राज्यपाल ने हटा दिया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको रीइंस्टेट कर दिया। ये बड़ा बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, और हमारा वीडियो उसमें है गवर्नर के अधिकार और कर्तव्य, आप उसको जरूर सुनिए। एक लास्ट में सीएजी की नियुक्ति, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है सीएजी, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के काम के लिए जो एक्सपेंडिचर है, जो ऑडिट का काम है, ये दोनों के लिए काम करता है। और आपको मालूम है ना कि ये सेंट्रल सर्विसेज के मेंबर होते हैं, ऑडिटेड एंड अकाउंट सर्विसेज। ऑडिट यूपीएससी में एक पद होता है ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, ठीक है, जो सेंट्रल सर्विसेज में आता है, और उसी में जो कंपीट करता है वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सीएजी पर जाता है। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल नियुक्ति नहीं होती है, मैं बता दूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज जॉब है। तो कोई भी अगर बीजेपी या कांग्रेस चाहे कि नहीं हम अपने आदमी को सीएजी बना दें, तो ये नहीं होगा, कोई नेता नहीं बन सकता वहाँ सीएजी। क्यों? कि वो बहुत ही स्पेशलाइज एजेंसी है, और इट इज़ ए कंसाइंस कीपर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अम्बेडकर ने कहा था कि ये जो है भारतीय संविधान के कंसाइंस को, मतलब उसकी आत्मा को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी होता है, ठीक है। तो ये काम जो है ना अभी किसी भी फेडरेशन में आप नहीं देखेंगे, जो हम यहाँ देख रहे हैं, जो राज्यों के एक्सपेंडिचर और केंद्र के एक्सपेंडिचर, उसके ऑडिट अकाउंट्स का ख्याल कौन रखता है? सीएजी और उसके सारे ऑफिस, और विभिन्न राज्यों में उसके डिप्टी सीएजी बैठे हुए हैं, ठीक है, जो उसके सीधे मातहत काम करते हैं। अगला पॉइंट है ओनली वन कंसोलिडेटेड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो राज्यों के लिए और केंद्र के लिए, आप जानते हो, पेपर पढ़ते होंगे, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, जिसमें कि अभी 3 मेंबर होते हैं, वो भारत के राज्यों के चुनाव के लिए, केंद्र के चुनाव के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके चुनाव के लिए पूर्णतया उत्तरदायी है। अभी आप अमेरिका की बात अगर कर लें तो वहां पर राज्यों के अलग इलेक्शन कमीशन है, एंड वो किसी के अंदर में मातहत काम नहीं करते हैं। जैसे अभी अभी प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ अमेरिका में, तो वहां के राज्यों के जो अलग अलग जो कमीशन है, उन्होंने अपना अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया, और तब समग्र रूप से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ कि मिस्टर ट्रंप जीते या बाइडेन जीते, ठीक है। लेकिन कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं जो राज्य और स्टेट दोनों को एक ही साथ कमांड करे, समझ रहे हैं आप? नाउ एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है रेसिडेंट। जैसे मैंने आपको कहा कि 3 लिस्ट है, तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रेसिडुअरी लिस्ट, जहां जो कहीं भी संविधान नहीं लिखा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? अतिशेष सूची। वो किसके पास में है? पार्लियामेंट में। लेकिन अगर अमेरिका में जाएंगे तो आप क्या देखेंगे? वो किसके पास में? राज्यों के पास में। तो ये क्या हो रहा है? ये पार्लियामेंट की तरफ झुकाव है। दूसरा, जो फिनांस के मामले में पार्लियामेंट को बहुत ज्यादा अधिकार है बनस्पत की स्टेट गवर्नमेंट से। और इसके अलावा लास्ट में आप देखेंगे कि अमेंडमेंट का जो पावर है, जो संविधान संशोधन का है, अमेरिका में कोई राज्य जो है वो भी वहां से इनिशिएट कर सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में अमेंडमेंट का पावर किसके पास में है? इनिशिएट करने का पावर किसके पास में? पार्लियामेंट के पास में। कोई राज्य की असेंबली किसी अमेंडमेंट को इनिशिएट नहीं कर सकती है, कोई संशोधन नहीं ला सकती है। ये पावर किसके पास में है? पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा, और किसी के पास में नहीं, ठीक है। हाँ, केवल कुछ ऐसे मामले में जहां पर कि राज्य की सत्ता को चुनौती या उसके फाइनेंशियल पोजीशन को प्रभावित करने वाले हैं, वहां पर एक सिचुएशन, एक प्रोविजन अख्तियार किया गया है, जिसमें कि पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी से पास होने के बाद में
आधे राज्य से, मतलब जैसे कि अपने देश में मान लो 29 स्टेट है, तो उसके आधे राज्य कितने होंगे, 14 से 15 राज्यों से के विधानसभा से बहुमत से पास हो जाना चाहिए। क्यों? कि वो जैसे कि अभी GST भारत सरकार ने लगाई, तो GST से क्या हुआ कि राज्यों के जो टैक्स हैं वो भी प्रभावित हुए। तो इसीलिए वहाँ पर ये कानून है कि आपने कि पार्लियामेंट से पास होने के बाद में राज्य सरकार कम से कम आधे राज्य सरकार को भी, मतलब स्टेट असेंबली को पास करना होगा, तभी वो कानून बनेगा, मतलब उसमें संशोधन लाया जा सकता है। और लास्ट में दोस्तों, बहुत सारे जो कानून हैं जो राज्य सरकार या स्टेट असेंबली पास करती है, खास करके सेल टैक्स या राज्य कोई प्रॉपर्टी या कोई संपत्ति कहीं भी एक्विजिशन या उसको अधिग्रहण करती है, ठीक है, उस मामले में अगर वो वहाँ पर कानून बनाने काम करती है तो, या दूसरे भी कोई कानून जो राज्यसभा राज्य असेंबली से पास होता है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो वो गवर्नर के माध्यम से उसको अपने पास में बुला सकता है, मतलब वो उसको सुरक्षित कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कहने का मतलब केंद्र सरकार, उसके पास में बहुत ज़्यादा ओवरराइडिंग पावर है, और वो चाहे तो किसी भी कानून को जो राज्य के असेंबली के द्वारा पास किए गए हैं उसको भी रिजर्व रख देगा और उसको पास नहीं होने देगा, मतलब उसको कानून नहीं बनने देगा, ठीक है, उसमें स्वीकृति नहीं देगा। बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं। तो दीज आर ऑल द थिंग्स। मैं समझता हूँ कि समय का अभी अभाव है, मैं केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही रेखांकित कर पाया।